How is everybody today? So we are ready today for the third chakra, Manipur chakra, located on your navel center. ये आपके शरीर का तीसरा चक्र है एंड दिस इज द चक्र विच गिव्स यू पावर. ये चक्र है विच मेक्स यू अ लीडर इन योर लाइफ. आज अगर आपको अपनी कंपनी में प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट एबल टू गेट प्रमोशन, पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी, आई एम नॉट एबल टू गेट ग्रोथ, मेरे कस्टमर्स जो है वो मेरे को उतना पुश नहीं दे रहे कि माय कंपनी ग्रोस, और आई एम नॉट एबल टू हैव अ कमांडिंग रोल इन माय फैमिली. सो अंडरस्टैंड योर मणिपुर चक्र नीड्स टू बी वर्क ऑन. तो ये चक्र है जो आपको जिंदगी में एक लीडर बनाता है. और जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट चक्र, तो मूलाधार चक्र में व्हाट डिड वी लर्न? वी लर्न that we have got a group identity, we belong to a society, yes or no? So Mooladhara Chakra mein we learn that we belong to a community, we learn to have a physical identity in the Mooladhara Chakra, ki mere shareer ki ek identity hai ki I belong to this set of parents, I belong to this community. So Mooladhara Chakra mein aapki physical identity establish. फिर हम आते हैं स्वादिष्ठान चक्र में. स्वादिष्ठान चक्र में आपकी इमोशनल आइडेंटिटी स्थापित होती है. हाउ आई एम लाइक अ पर्सन, स्वादिष्ठान इज अबाउट वन टू वन रिलेशनशिप्स. नाउ वी कम टू मणिपुर चक्र. यहाँ पर आपकी मेंटल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ योर माइंड, योर थॉट्स, योर ओपिनियन गेट्स एस्टैब्लिश्ड. बेसिकली मणिपुर चक्र है जहां पर आपके सारे माइंड, आपके ओपिनियंस, आपके सारे विचार स्टोर होते हैं एंड दिस मेक्स योर मेंटल आइडेंटिटी. ये चक्र है जिसके कारण यू प्ले योर रोल इन लाइफ, यू डू योर रोल प्ले इन लाइफ. यू आर अ फादर और यू आर अ हस्बैंड और यू आर अ जनरल मैनेजर बिकॉज ऑफ योर माइंड. इट इज योर रोल प्ले. तो मणिपुर चक्र जो है इट इज लोकेटेड ऑन योर नेवल एंड इट इज द सीट ऑफ योर माइंड. इस चक्र में आपका जो है ग्रह जो है सूर्य रिसाइड करता है. दिस इज द चक्र जहां पर यू गेट लॉट ऑफ बटरफ्लाई फीलिंग्स व्हेन यू आर वेरी स्केयर्ड एंड व्हेन यू आर वेरी नर्वस. ये 10 पेटल चक्र है और बेसिकली इसका जो कर्मेंद्री है इट इज एक्शन. दिस इज द चक्र जहां पर आप लाइफ में एक्शन लेते हो एंड यहां पर एक ज्ञानेंद्री है विच इज आई साइट. इस चक्र को जब ये खुलता है तो यू हैव गॉट अ बिग विजन बिकॉज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लीडरशिप इज अ गुड विजन. तो यहां पर दो चीजें डिसाइड करती है, आपका एक्शन और आपका विजन. This is the seat where you actually take actions in your life and this is the seat where matter is converted into energy. आपका जो knowledge है it is converted into energy in this chakra. आप जैसे सौर्य मंडल में सूर्य का क्या रोल है? सूर्य का रोल है is to give you energy. Similarly, मणिपुर चक्र में आपके पेट में जो सूर्य है it gives you. यही पर आपका खाना डाइजेस्ट होता है, योर फूड इज डाइजेस्टेड एंड दैट गिव्स यू एनर्जी. एंड एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज द सीट ऑफ द माइंड यू ऑल्सो डाइजेस्ट व्हाट यू रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड. आज आपको जो वर्ल्ड से जो मिलता है वो भी आप डाइजेस्ट करते हो. व्हाट यू रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड, देयर थॉट्स, देयर इमोशंस, देयर ओपिनियंस. Today, if you have problems in digesting what the world thinks about you, आपका मणिपुर चक्र. Today, if you don't have confidence in your own mind and your thoughts, आपका मणिपुर चक्र. और अगर ये चक्र ब्लॉक है तो आपका डाइजेशन बहुत वीक हो. You will have a weak digestion. You will have acidity.
आपका बहुत जल्दी जल्दी स्टमक अपसेट होगा, सीरियस ही ब्लॉक होगा, तो पीपल हैव डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम्स, पैनक्रियास प्रॉब्लम्स एंड बेसिकली यू हैव वेरी लो एनर्जी, क्योंकि आपके जो पेट का सूर्य है वो प्रॉपरली जो है एनर्जी नहीं दे रहा है और आपकी खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और बेसिकली आपके बॉडी में प्राण की कमी है। सो मोर अबाउट दिस मणिपुर चक्र, जब ये चक्र बैलेंस्ड होता है, व्हेन दिस चक्र इज बैलेंस्ड यू आर वेरी सेंटर्ड, यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, यू एक्ट लाइक अ लीडर। और एक्चुअली लीडरशिप की क्या क्वालिटी है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हु यू आर। लीडरशिप की बेसिकली क्या क्वालिटी है, यू टेक ऑन अ जॉब, आपको कोई भी टास्क मिलता है आप वो जॉब को कंप्लीट करते हो विदाउट बीइंग वेरी डोमिनेटिंग ऑल्सो, एट द सेम टाइम यू डू इट विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब ये चक्र बैलेंस होता है यू हैव अ वेरी श्योर सेंस ऑफ हु यू आर, यू आर एबल टू से नो, आपको अपने ओपिनियंस पता है, यू आर एबल टू इजिली से नो दैट नो दिस इज नॉट फॉर मी। कोई भी आपको सोशल इन्विटेशन आता है, जॉब का कुछ होता है, यू आर इजिली एबल टू से नो। एंड एट द सेम टाइम आज अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, यू डोंट टेक टाइम टू से यस इफ यू थिंक इट इज राइट। तो आज नो बोलना, यस बोलना, डिसाइडिंग ऑन वॉट इज राइट फॉर यू एंड वॉट इज नॉट राइट फॉर यू, इट बिकम्स वेरी इजी अगर आपका मणिपुर चक्र जो है वो बैलेंस है। और ये चक्र अगर ब्लॉक है तो होल लाइफ यू फील वेरी विक्टिमाइज्ड, ऑल द टाइम यू आर आस्किंग पीपल शुड आई डू दिस शुड आई नॉट डू दिस, एवरी टाइम यू वांट द ओपिनियंस ऑफ पीपल यू आर नॉट एबल टू मेक योर ओन डिसीजन। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर एक कोई प्रॉब्लम के लिए एक आंसर चाहिए, वी वॉन्ट टू मेक अ डिसीजन, डू यू थिंक एवरीबडी विल मेक द सेम डिसीजन और डू यू थिंक डिसीजन इज मेड एज पर द पर्सन, एज पर द पर्सन, व्हाई इज दैट, बिकॉज हर पर्सन की एक अपनी आइडेंटिटी है, हर पर्सन का अपना थॉट प्रोसेस है, उसका अपना रास्ता है। टुडे इफ यू आर आस्किंग अदर पीपल फॉर देयर ओपिनियंस, डू यू थिंक यू विल गेट द राइट आंसर, यू विल नेवर गेट द राइट आंसर। So what you have to do is, you once you are able to have confidence in your own opinions, you will always take the right decision. So Manipur Chakra jab balanced hota hai, the person is able to do everything with responsibility and he has a sure sense of who he is. But agar ye chakra blocked hota hai, the person hamesha is affected by what the world gives him. He lives like a very victimized person. ही इज लाइक यू नो एक लीफ है, हवा हुई तो यहाँ चला गया वहां चला गया, जैसे एक वेव होती है ओशन के ऊपर, ओशन ऊपर आए तो वेव ऊपर चली गई एंड वेव नीचे आई तो वो नीचे चला गया। उसकी लाइफ हमेशा इज अ रिएक्शन ऑफ व्हाट द वर्ल्ड गिव्स हिम, वो पूरी जिंदगी हमेशा कंप्लेन करता रहता है और व्हाट पीपल हैव डन टू हिम, एज दो ही नेवर हैड अ विल ऑफ हिज ओन, ही ऑलवेज अट्रैक्ट्स पीपल हु टेल हिम व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट ही शुड, और जिंदगी उसकी हमेशा रिएक्टिव होती है ऑफ व्हाट ही इज रिसीविंग। सो टू बैलेंस द मणिपुर चक्र वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट वी शुड बी डूइंग टू बैलेंस द मणिपुर चक्र, बट ये चक्र जब बैलेंस होता है तो यस यू आर अ लीडर, पीपल रिकॉग्नाइज यू, यू हैव गॉट वेरी गुड ओपिनियंस, वेरी गुड थॉट प्रोसेस एंड यू आर एबल टू टेक द राइट डिसीजन। और जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग हियर एंड देयर फॉर देयर ओपिनियन। सो टू अंडरस्टैंड कि ये मणिपुर चक्र जो है इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, लीडर की क्या क्वालिटी होती है। टुडे ऑल ऑफ अस वांट टू हैव प्रमोशन इन द कंपनी, यस और नो, यू हैव प्रॉब्लम्स दैट व्हाई आई एम नॉट प्रमोटेड, आई एम वर्किंग सिंस सो मेनी इयर्स बट आई एम नॉट प्रमोटेड इन माई कंपनी, राइट। So you have to first know कि leaders के पास क्या quality होती है and then you will know that what is helping them to go apart from the group. Are you understanding कि leader क्या होता है? आज एक group है, group of people, all of them are doing a certain task. एक person होगा who will break apart and he will have
द करेज एंड द नॉलेज टू गाइड द रेस्ट ऑफ देम, वही तो लीडर होगा। यस और नो? एक सिंपल एग्जांपल, एक ट्रूप चल रहा है जंगल में, जंगल के थ्रू एक पूरा ट्रूप चल रहा है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मार्च फास्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लीडर कौन होगा जो सबसे कहेगा हॉल्ट वेट? वो पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, बाइनोकुलर से देखेगा कहां पर रास्ता है, फिर नीचे उतरेगा और सबसे कहेगा ओके ग्रुप लेफ्ट टर्न, और थोड़ी देर बाद देखेगा टाइम हो गया है, सो ही विल टेल एवरीबॉडी हॉल्ट, वी विल वेट हियर। Isn't that the leader? Yes or no? So let us discuss the qualities of a leader, and dheere dheere you will start identifying ki what are the fears in me because of which I am not able to become a leader. And you know that recognizing a fear is releasing a fear. Yes or no? Aaj agar aapko apna fear dikh gaya, aapko apni kamzori dikh gayi, it will just come. Yes or no? So let us start seeing ki what are the qualities of a leader and what are the fears which stop a person from becoming a leader, and we can work on those fears. First quality of a leader is that he has got absolute no dependency on anyone, because leadership is about total independence. Yes or no? So what are the fears? Fears are your dependency on others. Your dependency jo hai, if you have got a dependency, dependency means physical, emotional, mental. Today if you have got a dependency on anybody, you cannot be a leader. Now what is the meaning of dependence? Aaj aap apni company mein job kar rahe ho, right? You are doing a job in your company. What do you think about your relationship with your company? Do you think that you are dependent on the company? That the company is giving you a job, it is giving you salary? One of the fears which stop people from becoming a leader is dependency. Because they feel that the company is the provider and I am the person who is dependent. And because they have dependency, they have this fear which stops them from taking any action. Yes or no? So first of the fear is dependency on the company. So ek jo leadership ki quality jo hai is that you have to understand that this dependency has to be removed. So how will you remove this dependency that you have on your company? That today my company is a provider and I am the dependent. What should you do to remove? Aaj na aapko aisa rehna hai, na aapko aisa rehna hai. To be a leader, you have to see that your relationship with your company has to be partnership. Till then you understand that you and your company are equal partners. They are giving you a job and a profile, and you are doing, you're giving your talents to service that job or profile. So the day you start looking at your company like your partnership, your dependency will go. So sabse pehla fear of Manipur Chakra is dependency. Today if you are emotionally dependent on anybody, if you are emotionally dependent on your friend, you are emotionally dependent on your family, you are physically dependent on your driver, you are physically dependent on your staff, a lady is dependent on her maid, this will make her weak and powerless. और आज एक पर्सन जो चेंज के साथ बंधा हुआ है, he cannot be a leader. He cannot take action if your hands are tied. And ये dependency is the thing that many many people, many bosses, many company, bosses of companies also, they are tied down because of dependency. They feel that I am dependent on my employees. आज अगर employees मेरे चले गए, या if they don't support me, I am not able to grow. So first thing that stops you from becoming a leader in your business also is dependence. And ye dependency jo hai, it is all in the mind, it is not the reality. Yes or no? Main aapko ek example batati hu. I had got this person who used to make lot of bridges around. Uska kaam tha civil work ka, to make bridges. He used to always come to me and say, ma'am, I work
यू नो आई ट्राई सो हार्ड टू गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते गवर्नमेंट. सो देन आई स्टार्टेड आस्किंग कि आपके हिसाब से आपको क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते. कहते आई डोंट नो व्हाई पीपल फेवर अदर्स, मुझे नहीं मिलते. तो देन आई आस्क्ड हिम दैट सपोज आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपको कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, व्हाट इज योर फियर ऑफ गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट? यस, व्हाट इज योर फियर ऑफ गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट? उसने सोचा अरे मैडम मुझे बहुत डर है कि मेरे पास उतने एम्प्लॉइज नहीं है. आई एम स्केयर्ड दैट व्हाट इफ माय एम्प्लॉइज लीव एंड देन हाउ विल आई मैनेज द कॉन्ट्रैक्ट? डोंट यू कॉल दिस डिपेंडेंसी? यस और नो? टुडे इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर एम्प्लॉइज, कि अगर आज ये नहीं होंगे तो मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता. सो कैन यू ग्रो इन योर लाइफ? दिस इज द चक्र फॉर मनी पावर ग्रोथ. When we are talking about leadership, we are talking about money, power and growth of the country. This is the chakra where Mahalakshmi resides, goddess of wealth resides. Aaj agar aapke mind mein koi bhi dependency hai, you cannot grow. Today if you feel that I am dependent on what my friends say, or I am dependent on my juniors, or I am dependent on my company, you cannot grow. So ye dependency ko you have to see it. And you have to be able to release this dependency. You have to realize ki life mein jitni bhi relationships hai, they are only partnerships. Dependency makes you weak and powerless. Aapke andar ka jo surya hai, uski chamak kam ho jati hai when you are dependent. And worst kya hota hai, when you are dependent, you lose vision. Aap na upar nahi dekh paate. Today, if you have a problem growing in your company, examine that maybe you feel you are dependent on the company, so aapko vision jo hai problem hai. You are not able to see beyond the company and try to hunt for another job beyond the company. So basically, first humne baat ki, what is the fear which stops you, which is dependency. Today if you have any kind of dependency, it could be physical. If you are physically dependent, mera driver nahi aaya to aaj main office nahi ja sakta, aaj meri maid nahi aayi to ghar ka kaam nahi ho sakta, आज मेरी सेक्रेटरी नहीं आई तो ये नहीं हो सकता. तो व्हाट हैपेंस इज दिस डिपेंडेंसी मेक्स यू वेरी फियरफुल, एंड व्हेन यू आर फियरफुल यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन एंड इट मेक्स यू पावरलेस. सो हाउ शुड यू हैंडल इट? हाउ शुड यू हैंडल? डेफिनेटली ड्राइवर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम तो होगी, गाड़ी कैसे चला के जाओगे? मेड नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी, घर का खाना कैसे बनेगा? यस और नो? सो हाउ टू हैंडल दिस? क्योंकि डिपेंडेंसी इज मेकिंग यू वीक. But at the same time, you're not going to do all this work yourself. So what is the solution? How you can be a powerful person in your life? How can you earn wealth in your life? हम उसकी तरफ जा रहे हैं. तो पहला हमने जो बात करी है, so how can you be not dependent on anyone? You can't do everything all by yourself. But how can you be not dependent on anyone? You should have very clear idea कि वो person क्या-क्या काम कर रहा है. If that person is not there, मैं किसी और से ये काम करवा सकता. That will reduce your dependency on that person. Lot of company owners they suffer क्योंकि वो वही पुराने employees को चले आ रहे. They are scared कि ये चला जाएगा तो दूसरा person को सिखाने में बहुत time लगेगा. But then they are stagnant at that position. आज अगर वो दूसरे नए fresh faces को लाएंगे, they learn equally faster. और उनको train करते जाएं और इन लोगों को बार बार job shuffle करते जाएं. तो सबसे बड़ी कंपनी जो शफलिंग करती है, सो दे सबको सारे काम पता होता है, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट एंड नोबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम. यस और नो? तो पहला तो यस है, कीप अ स्टेपनी, नो वेरी क्लियरली व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग एंड व्हाट इज द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इफ दैट पर्सन कम्स. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलीज द फियर ऑफ डिपेंडेंसी फ्रॉम योर माइंड. ऑलवेज थिंक आई विल ऑलवेज फॉर्म पार्टनरशिप्स, आई एम नॉट डिपेंडेंट. जिस दिन यू टेल दिस थिंग, यू विल ऑलवेज मेक न्यू पार्टनर्स. आप अपने मन से डर निकाल के तो देखो. नेवर बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनी फ्रेंड, नेवर बी फिजिकली डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन, नेवर बी मेंटली डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन दैट आई वॉन्ट टू नो हिज ओपिनियंस. टूडे इफ यू आर एनी वे डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन, इट विल लोअर योर पावर, मेक यू पावरलेस एंड मेक यू. तो फर्स्ट इज you have to release this fear of dependency and decide that everything is going to be partnership for me. If it is not suitable for me,
आउट, आई विल मेक अ न्यू पार्टनरशिप। आज जिंदगी में करेक्ट डिसीजन तभी आदमी ले सकता है व्हेन ही ट्रस्ट्स हिज ओन ओपिनियंस, व्हेन ही ट्रस्ट्स हिमसेल्फ। मणिपुर चक्र इज योर माइंड, और मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू टोटली ट्रस्ट योर माइंड, नॉट अदर्स। टुडे यू आर बॉर्न फॉर अ यूनिक लाइफ पर्पस, आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। इफ यू आर अ हीलर, आपका माइंड डिफरेंट है, यू विल बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स पीपल। बट इफ यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका माइंड डिफरेंट होगा, यू विल हैव दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सेट्रा, यस और नो। इफ यू आर एन एंटरटेनर, आपका माइंडसेट अलग होगा, यू विल वांट टू मेक पीपल हैप्पी एंड एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम। सो डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा। एंड मणिपुर चक्र इज अबाउट ट्रस्टिंग योर। सो फर्स्ट है, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। स्टार्ट लुकिंग, एम आई डिपेंडेंट ऑन माय फ्रेंड? He has to share my emotions. If I'm sad, if I'm happy, I have to share my emotions with this. Just release it. Identify it and release it. You can always find new friends. Second thing, what is the fear of the Manipur Chakra? Opinions of others affect you. Manipur Chakra is about your mind. Ye block kab hota hai? When you give lot of importance to others' opinions. और ये मणिपुर चक्र ब्लॉक सबका होता है, टिल ही लर्न्स दैट अदर्स ओपिनियंस डोंट मैटर। टुडे इफ यू आर स्टिल फीलिंग वेरी विक्टिमाइज्ड, यू स्टिल फील वेरी एंग्री एट व्हाट पीपल डिड टू यू इन द पास्ट, आज बहू अभी तक रोना गा रही है कि मेरे सास ने मेरे साथ कैसे बिहेव किया। टुडे इफ यू आर स्टिल फीलिंग विक्टिमाइज्ड एट हाउ your friends behaved with you in the past, or how your parents behaved with you, or how your previous boss behaved with you, or how the world behaved with you, understand, you are giving value to their opinions. So you have to recognize that today मुझे उनकी बातें क्यों बुरी लग रही हैं, कि उसने ऐसा क्यों सोचा? Many, many people have this problem that why these people did this to me, why he spoke like this, why he did this. If opinions of others affect you, you have to recognize this. And actually you have to understand, does it matter what people think about you? Ask yourself, does it really matter दूसरे आपके बारे में क्या सोचते? Why do you think when others आपके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोगों को होता है कि कंपनी में मेरे पीछे लोग ये बात करते हैं, बॉस को जाके मेरे बारे में बता देते हैं, आपस में ये बात करते हैं, so they feel very perturbed with that. उससे आपको क्या फर्क? Let us discuss. आज लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, उससे आपको क्या फर्क? सोचो। Many people who have become villains before have become heroes later. और मोदी के ऊपर भी कितने सारे इल्जाम लगे थे, ये किया था, ये राइट्स कराए थे, फाइनली ये बिकेम नो। लॉट ऑफ पीपल यू से दैट यू विल सी इन लाइफ, जिनके ऊपर टार्निशिंग हुई है, शाहरुख खान के ऊपर हुई है, ही फॉट दिस, ही डिड दिस। टुडे वर्ल्ड की मेमोरी बहुत छोटी होती है, एक्चुअली बहुत छोटी होती है। आज किसी ने कुछ खराब काम किया, बट दैट पर्सन कंटिन्यूड विद द गुड डीड्स, वो पुराना सब पाइप ऑफ। सो टुडे पीपल के बोलने से आपकी रेपुटेशन नहीं बनती है, आपकी रेपुटेशन बनती है बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज ऑफ हु यू आर रेपुटेशन बनती है। बिकॉज अंडरस्टैंड, इट इज इम्पॉसिबल दैट 100% पीपल टेल गुड अबाउट यू, इट इज इम्पॉसिबल। ऑलवेज देयर विल बी 50% हु विल टेल गुड, 50% हु विल टेल बैड। आज इलेक्शंस भी होते हैं तो आधे लोग इधर वोट करते हैं, आधे लोग इधर वोट करते हैं। Every person is entitled to his own opinion. And the day you release this dependency of others' opinions, tab to dekho to sahi kya hota hai. When you have a dependency, what happens? Aisa hai ki aapke Manipur chakra se uske Manipur chakra tak ek cord chali jati hai. And the person knows ki you are affected by what he says. And then all the time your actions are dependent whether wo khush hai ki wo frown kar rahe hai. वो खुश है, यू विल डू एक्शंस कि वो खुश रहे, वो गुस्सा है, यू विल ट्राई टू मेक हिम हैप्पी। टुडे वी आर ऑल एनर्जेटिकली कनेक्टेड विद ईच अदर।
जब आपको फर्क पड़ता है किसी के ओपिनियन से, तो उसको भी पता है कि आपको फर्क पड़ता है, उसके एक्शन भी उसके डिपेंडेंट है. बट टुडे बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी, टुडे यू हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स, लॉट ऑफ फियर्स इनसाइड यू, लॉट ऑफ बैगेज यू आर कैरिंग इनसाइड यू. आपके अंदर जो इतना सारा बैगेज है ऑफ विक्टिमाइजेशन, ऑफ सो मेनी ग्रजेस इनसाइड कि लोगों ने मेरे साथ ये किया है, वो किया है, इट इज ऑल बिकॉज यू आर वेरी मच फियरफुल अबाउट ओपिनियंस ऑफ अदर्स. सो आर वी अग्रीइंग ऑन दिस पॉइंट कि दूसरे के ओपिनियन से एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक्चुअली वी कांट मेक 100% पीपल हैप्पी. यस ऑर नो? आई अंडरस्टैंड अगर कुछ लोगों को लगता है कि पीपल स्पीक रॉन्ग अबाउट मी, दे विल गो एंड टेल द मैनेजर. यू अंडरस्टैंड कि फॉर दैट यू कैनॉट स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. तो यू हैव टू ट्रस्ट द कॉन्शियसनेस कि आज अगर मैं सही हूं, अगर मैं सच हूं, द सच विल शो. यस ऑर नो? तो आर वी ऑल अग्रीइंग ऑन दिस कि किसी भी ओपिनियन से एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता? यस ऑर नो? सो बेसिकली अंडरस्टैंड कि टुडे इफ यू हैव मणिपुर चक्र इज बैलेंस्ड, अपन जो बाकी बातें करेंगे, आज अगर आपका चक्र बैलेंस्ड है तो आप किसी के ओपिनियन से आप टूटते नहीं हो, उनके ओपिनियन से के बावजूद भी आप हो. यू आर देयर, यू आर नॉट मेड और यू डोंट ब्रेक बिकॉज ऑफ अदर्स ओपिनियन. सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है वी ऑल आर गोइंग टुवर्ड्स द सेम ट्रुथ. आज अगर आप बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, एवरीबडी स्पीक्स द सेम ट्रुथ. एंड द ट्रुथ इज दैट यू शुड नॉट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल स्पीक अबाउट यू. Trust that आपका जो true self है वो reveal होगा and people will know. You will always have chance to communicate. आपका सच्चाई दिखेगी. But worrying about their opinion से क्या होगा? It will make you weak and powerless. आप वो baggage को carry करते रहोगे, baggage of being victimized, baggage that I am not in charge of my life. And with this baggage, do you think you can be promoted or you can be a powerful person in your life or you can be a leader? No, right? So, because of dependency of opinions of others, हमारे में और दो fears आते हैं. क्या दो fears आते हैं? Because you are worried about what people say to you. Fear of failure का नहीं है, fear of saying no. You are not able to say no. Today, recognize within you. कि मैं बहुत बार आई वॉन्ट टू से नो बट आई से यस, कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? यस और नो? सो फियर ऑफ सेइंग नो इज सच अ फियर दैट इट हैम्पर्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट. आज अगर आप एक सिंपल नो बोलना चाहोगे ना, सिंपल नो बोलना आपको सीख गए ना, यू विल बी एबल टू मेक फर्म बाउंड्रीज, यू विल बी एबल टू कंजर्व लॉट ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज आपने नो कहा जब आप नो कहना चाहते. बट वेन यू एंड अप सेइंग यस जस्ट बिकॉज ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, बट यू डिडंट वांट इट, उससे क्या होगा? योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज एंड मणिपुर चक्र में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट से आज टुडे यू डोंट हैव टू, यू हैव टू अंडरस्टैंड जब यू क्वालिफाई यू गेट प्रोग्रेस. और आज आपका अगर सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू रेस्पेक्ट. तो इससे जो फियर ऑफ अदर्स ओपिनियन से एक तो फियर आता है, फियर ऑफ सेइंग नो. और एक दूसरा कौन सा फियर आता है? फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्रंटेशन? फाइट एंड झगड़ा करना. इन व्हाट वे? ऐसा आपकी और कैसा झगड़ा? ओपिनियन का झगड़ा. And do you think in your office environment and in normal social life also confrontation hota hai? Yes or no? And today why you have a fear of confrontation? What people do is jahan par bhi thoda confrontation hai, they just agree and they go. They give their power to the person to keep peace. Aaj even husband wife mein bhi jhagda hota hai, they just give away the power, chal tu khush rahe, I go. But do you think that helps? कॉन्फ्रंटेशन जो है, दिस इज इन मणिपुर चक्रा, बिकॉज मणिपुर चक्रा इज द सीट ऑफ एक्शन, वेर यू डू एक्शन. टुडे इवन इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर बट यू आर नॉट एबल टू यूज योर बॉडी टू डू सम एक्शन बिकॉज ऑफ द मणिपुर चक्र ब्लॉक.
तो मणिपुर चक्र इज योर फिजिकल पावर, इमोशनल पावर एंड मेंटल पावर. इट इज द एबिलिटी टू टेक एक्शन इज मणिपुर चक्र. तो आज बेसिकली व्हाई यू हैव अ फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन. अब नाउ आस्क व्हाट आर द रीजंस यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग बट यू नो आई शुड हैव कन्फ्रंटेड. इट कुड बी इन सोशल लाइफ, इट कुड बी इन ऑफिस, बट यू न्यू दैट इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू कन्फ्रंट बट आई डिड नॉट कन्फ्रंट. फर्स्ट इज आउटकम ऑफ कन्फ्रंटेशन कि इससे क्या हो जाएगा, राइट, एंड अननोन फियर कि इससे क्या आउटकम होगा एंड व्हाट इज द आउटकम यू गेट. यस, एक आउटकम जो आपको डर लगता है कि ये मैं इसको छूट ना जाए. आई होप आई डोंट लूज फेवर. सपोज इन अ कंपनी यू आर फाइटिंग, यू हैव टू कन्फ्रंट, यू हैव अ फियर दैट व्हाट इफ आई लूज माय जॉब. यस, इफ यू आर फाइटिंग विद सम नोन पर्सन, यू हैव अ फियर कि व्हाट इफ ही लीव्स मी. Yes or no? तो एक तो हमें आउटकम का डर रहता है. इट इज द आउटकम ऑफ द कन्फ्रंटेशन. दैट इज व्हाई यू अवॉइड कन्फ्रंटेशन. व्हाई डू यू फील दैट द पर्सन इज मोर पावरफुल देन यू? इफ देयर इज अ कन्फ्रंटेशन बट यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन व्हाट इज राइट, डोंट यू थिंक कम्युनिकेशन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम? इफ यू स्टैंड योर ग्राउंड एंड यू कम्युनिकेट दैट नो दिस शुड हैव बीन डन लाइक दिस. So if you have got that confidence in your opinions, you can always convince the person 5 times, 10 times, 20 times. But if you convince the person, he will have to be convinced. So one is that fear I will not win is a fear of action, and that you have to take it out by knowing that yes, I have to communicate. And next you said that it is pointless, right? So when you say it is pointless, okay. One, in this there is one debatable point. एक जैसे आइंस्टीन ने कहा था, don't argue with fools. Don't argue with fools, because they will bring you down to their level and they will win because of their experience. To know कि argue करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनका mental level ही ऐसा है. There is, it's not called confrontation. It is called that if this thing doesn't really affect me, I will go or I will use a power जिससे ये person डरते हैं. So that is another thing. But a fear that I will not win, but or it is pointless, and if it is coming with your colleague or with somebody of your level, you have to first remove it. You have to understand that agar wo person aapke equal ka level hai, then you have to confront and you have to solve the case by communication. And one more, what is there? Why? What other reason people don't confront? Not to hurt anyone. You don't want to hurt anybody. This is powerlessness. This is fear of action. Today, if the situation wants you to fight, just like Mahabharat, Krishna said and told Arjun, you have to fight. You are nobody to decide that I don't want to hurt. So basically, it is not about I don't want to hurt. You have to understand, confrontation doesn't mean you have to end up in a fight. But if something requires your intervention and your power to change that situation, you have to use your power. Today in your family you have got power. You have got financial power. You have got role power because you are the bread earner of the family. You are the father of the family. You have got money power. In your company you have got mental power. With your friends you have got emotional power. You have to use your power and change the situation in your favor. You cannot become a leader till you give him importance. To become a leader you have to give yourself. So first is that fear that I don't want to hurt anybody should be removed. You have to see if it is right for me to do, I will do it. It doesn't matter who gets hurt in the process. Okay? What other fear comes? In confrontation, one more fear that comes is fear of violence. Lot of people are scared. Aaj main office mein karunga, you know, what if hatapai shuru ho jaye? Yes or no? And घर में भी शुरू होगा, what if बहुत जोर जोर से बातें शुरू हो जाए और पूरे मोहल्ले को पता लग जाए? Yes or no? और बहुत सारी बीवियां जो है डरा डरा के हस्बैंड को चुप करती है. Because they are scared of violence. Scared. So one is fear of violence. और एक और जो सबने mention नहीं किया है, because people are not very attentive, fear of shame. You have to recognize, देखो जब तक नहीं पहचानोगे ना, आप जिंदगी भर भागते रहो. You will keep on taking the patti gali and you say, no, I am a very
काइंड पर्सन, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए मैं निकल गया। बट अंडरस्टैंड, इफ द सिचुएशन नीड्स यू टू कन्फ्रंट, यू हैव टू। दुनिया में कोई भी लीडर है, ही हैज नॉट बिकम अ लीडर टिल ही हैज गॉट द एबिलिटी एंड एटलीस्ट द पावर टू कन्फ्रंट। आज अगर आपके अंदर ये पावर आ गया ना, एक्चुअली कोई आपसे कन्फ्रंट करने आए गए, आप बोलो तो सही आई एम रेडी टू कन्फ्रंट, तो आप तो सही मेरे सामने विदाउट झगड़ा, आपके ऑरा से ही लोग भाग जाए। बट आपको अपने अंदर से फियर, तो फियर ऑफ वायलेंस कैसे हटाओ? बहुत लोगों को फियर होता है वायलेंस। तो मेरे पास एक बच्चा भी आया था, he was always very fearful, always fearful। तो मैंने उससे पूछा, तू बचपन से बड़ा फियरफुल था, उसके पेरेंट्स लेकर आए जब वो 10th स्टैंडर्ड में। तो फाइनली यू नो आई आस्क्ड हिम, तो ही सेड नो, बड़े बड़े बच्चे हैं, वो सब बात करते हैं मेरे बारे में, वो मुझे मार देंगे। सो आई टोल्ड हिम कि तुम बचपन से यू आर सो स्कैर्ड, आंट यू नोटिसिंग टुडे दैट यू आर 6 feet tall, यू आर 6 feet tall, यू हैव गॉट अ गुड बॉडी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ वायलेंस? वो क्या कर देगा, व्हाट ही विल डू? आर दे कैरिंग ऑटोमेटिक गन्स? आर दे कैरिंग तलवार? क्या कर रहे हैं वो? मुक्का ही तो मार रहे हैं ना, 2-3 मुक्के खा लेना। बट ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है, बेटा मार दो, एक बार मार दो। Then I told his parents, इसको भेजो वहां पर जिम, लेट हिम लर्न बॉक्सिंग, एटली वो फियर चला जाए। बिकॉज क्या है कि ही इज इमेजिनिंग इट, मोस्ट इज इमेजिनेशन, व्हाट इफ दे डू दिस, व्हाट इफ दे डू दिस। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट इवन फाइटिंग बैक विद वर्ड्स। So fear of violence has to be removed by knowing that I also have got claws. I can also fight. Mentally imagine that fight. Mentally imagine that fight. क्या होगा? कुछ मुक्के खा लूँ। But बाकी जिंदगी की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि better है fight. So you have to remove this fear of confrontation. Only those people are promoted and noticed in a company who have got the ability to actually say their voice. आपको अपनी voice दिखानी। But yes, as we said, एक आता है balance, don't argue with fools. पर एक आता है कि it is hampering your work, it is hampering your boundary. Then you have to come. Is it clear? And lastly, इसमें होता है fear of shame. बहुत लोगों को शर्म का डर, शर्म का कि जोर जोर से चिल्लाने लग गया, losing image. Do you recognize that fear of shame? That today I am not confronting. What if the person says something bad? He says कुछ और पिटारा बोल दे. He says something bad or this lady behaves like this. Society का fear, इसका fear, उसका fear. So when you have got a fear of shame, also you lose power. Yes or no? But understand कि जिस दिन आप अपना fear of shame को भी भेज दो, उसको भी release कर दोगे, you will realize. If you decide that I will do as per what is right and what is wrong, I am going to remove this fear of shame. क्या होगा? थोड़ी बदनामी होगी, थोड़ा लोग हंसेंगे, but I will do what is right for me. So you have to look at this fear of shame within, and you have to realize कि लोगों के opinions जो हैं, they are always very different. They go away with time, but finally you have to do what is correct. I am telling you that if you develop the power to confront. You know, actually confront. It could be your spouse, it could be your mother-in-law, it could be your boss. It just develop the power to confront. You know, it is just develop the power in one or two incidences. आपके अंदर एक इतनी energy आ जाएगी कि nobody in the world can mess with. फिर आपके पास opportunity भी नहीं है कि confront करने. फिर आप ready हो पर nobody will come. आपका एक और ऐसा बन जाएगा कि nobody will come. बट जब तक आप अपने आप को वीक सोचोगे, रिसीविंग एंड पे सोचोगे और अपने आप पे मेकअप करते रहोगे कि नो आई एम अ काइंड पर्सन, मैं क्यों इसको हर्ट करूं, क्या फर्क पड़ता है, एक बार इसको जीतने दो, लेट हिम गो अहेड विद हिज डिमांड्स, लेट मी गिव अवे माय पावर टू हिम फॉर सम टाइम, अंडरस्टैंड इट इज नॉट अबाउट दैट पर्सन और दैट इंसिडेंट, इट इज अबाउट हिम. यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर यू टू टेक ऑन द पावर ऑफ लीडरशिप. टुडे व्हाई यू आर नॉट गेटिंग प्रमोशन और ग्रोथ इन द कंपनी, क्योंकि आपका ये एटीट्यूड ठीक हो. इट इज नॉट अबाउट द बॉस नोटिसिंग इट, इट्स अबाउट गॉड नोटिसिंग. सो एवरी सिंगल इंसिडेंट इन योर लाइफ, टेक इट लाइक अ लेसन फ्रॉम गॉड. आज छोटे छोटे बच्चे जो कन्फ्रंट करके बताते हैं कि आई दिस इज माई ओपिनियन.
आई विल डू ओनली दिस. आज अगर आपने कन्फ्रंट अपने पेरेंट्स को किया होता, यू वुड हैव बीन डूइंग द कोर्स ऑफ योर चॉइस. टुडे इफ यू आर कन्फ्रंटिंग, यू विल परस्यू अ प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस, यू विल मैरी अ गर्ल ऑफ योर चॉइस. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्फ्रंट. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता द पर्सन इन फ्रंट इज योर फादर और योर रेस्पेक्टेड पर्सन, इट डजंट मैटर. If you have to confront and the thing demands it because you believe in it. Manipur Chakra is believing in your opinions. When you believe in yourself, you will get the energy.